बच्चों स्वागत है आपका इस एजुकेशनल क्लास में। आज सब्जेक्ट केमिस्ट्री क्लास 12 चैप्टर पॉलीमर में हम लोग का टॉपिक है पॉलीमर एंड इट्स क्लासिफिकेशन। आज हम आपसे डिस्कस करेंगे कि पॉलीमर क्या होते हैं और इसको कैसे हम कितने तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। बच्चों आपने देखा है कि बरसात के दिनों पर जब छत पर पानी इकट्ठा हो जाता है तो उस पानी को निकालने के लिए वाटर पाइप का इस्तेमाल होता है। इन वाटर पाइप को हम पीवीसी या पॉलीविनाइल क्लोराइड कहते हैं, जो कि विनाइल क्लोराइड का एक पॉलीमर है। इसी प्रकार आपने देखा कि जब हम लोग मार्केट जाते हैं और वहाँ से कुछ सामान ले आते हैं तो कैरी बैग का इस्तेमाल करते हैं। ये कैरी बैग जैसे पॉलीथीन है, जो कि एथीन का एक पॉलीमर है। इसी प्रकार बच्चों के खेलने के लिए जो खिलौने इस्तेमाल होते हैं, घरों में बाल्टी प्लास्टिक की बॉटल्स या इवन जो हम लोग पेंट का इस्तेमाल करते हैं, सब कहीं ना कहीं पॉलीमर्स के एग्जाम्पल हैं। हमारे पहनने वाले कपड़े नायलॉन्स, ये पॉलीमर हैं। इसके अलावा आप ये कह सकते हैं कि पॉलीमर का डे टू डे लाइफ में बहुत ही इम्पोर्टेंस है। अच्छा, अब हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि पॉलीमर होते क्या हैं। तो पॉलीमर दो शब्दों से मिलकर बना है। इसमें एक वर्ड है आपका पॉली और एक वर्ड है मर। पॉली मीन्स होता है मेनी, अब मर मीन्स होता है यूनिट, या इसको हम लोग पार्ट भी बोल सकते हैं। तो अगर इसको हम डिफाइन करें तो ये कह सकते हैं कि जब छोटी छोटी यूनिट्स आपस में एक रेगुलर तरीके से अरेंज होकर एक लार्ज कंपाउंड बनाए तो उसको हम पॉलीमर कह सकते हैं। अगर डिफाइन करें, इसको लिखें हम लोग, तो कुछ ऐसे लिखेंगे कि व्हेन स्मॉल रिपीटिंग यूनिट्स कंबाइंड विथ कोवैलेंट बॉन्ड इन अ रेगुलर वे सच दैट इट्स मॉलिकुलर मास, इट्स मॉलिकुलर या मोलर मास जो है विल बी 10^3 to 10^7 यूनिट्स, then it is called polymer। बच्चों आपने कहावत तो सुनी होगी कि बूंद बूंद से सागर बनता है, राई राई से पहाड़ बन जाता है, तिनका तिनका जरा जरा छोटी छोटी सेविंग से आदमी लखपति बन जाता है। ऐसे ही अगर हम छोटे छोटे यूनिट्स को आपस में हम कंबाइन करें एक रेगुलर तरीके से, एक प्रॉपर तरीके से अरेंज करें, तो इन सब को जोड़ के हम लोग पॉलीमर बना सकते हैं। अच्छा, जो ये रिपीटिंग यूनिट्स होती हैं इसको हम लोग मोनोमर कहते हैं। पूरा प्रोसेस जो है इसको पॉलीमराइजेशन कहते हैं। तो रिपीटिंग यूनिट्स जो होती है, रिपीटिंग यूनिट्स जो हैं इनको आप कहेंगे मोनोमर, और जो ये प्रोसेस होता है, प्रोसेस इन्वॉल्व, जो प्रोसेस इन्वॉल्व है इसको हम पॉलीमराइजेशन कहते हैं। इसके एग्जाम्पल्स में आप ले सकते हैं जैसे पॉलीथीन, जो एथीन का पॉलीमर है, पॉलीविनाइल क्लोराइड है, पीवीसी जिसे कहते हैं। इसके अलावा आपका हो गया ब्यूनाइस, नायलॉन, ईटीसी, ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हैं इसके। अब हम डिस्कस करेंगे कि ये जो रिपीटिंग यूनिट्स है, जो मोनोमर हैं, इसके आधार पर हम पॉलीमर्स को दो तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। तो अब हम डिस्कस कर रहे हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ रिपीटिंग यूनिट्स,
पॉलीमर जो होते हैं कैन बी, पॉलीमर को हम दो तरीके से बता सकते हैं, एक आपका होमोपॉलीमर पॉलीमर में क्या होता है कि सेम टाइप ऑफ रिप्यूटिंग यूनिट्स यूज करते हैं, तो इसमें आप लिखेंगे ओनली वन सेम टाइप ऑफ मोनोमर इज यूज्ड, एक ही तरह के मोनोमर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आप कह सकते हैं कि पॉलीथीन है, आप कर सकते हैं कि पीवीसी हो गया, आप कह सकते हैं कि नायलॉन 6 हो गया, ठीक, आप ये कह सकते हैं कि टेफ्लॉन हो गया, ट्रफ्लोरोइथीन, टेफ्लॉन बोलते हैं इसको। तो ये हमारे सब क्या है, होमोपॉलीमर है, इसमें एक ही तरह के मोनोमर इस्तेमाल होंगे। जैसे पॉलीथीन में केवल एथीन के मॉलिक्यूल यूज होंगे, पॉलीफिनाइल क्लोराइड में केवल विनाइल क्लोराइड ही आपस में इस्तेमाल होते हैं, नायलॉन 6 में केवल जो मोनोमर है वो कैप्रोलेक्टम का इस्तेमाल करते हैं, तो होमोपॉलीमर कहते हैं। एक दूसरे तरह का जो पॉलीमर है इसको हम कहेंगे कोपॉलीमर। कोपॉलीमर में होता क्या है कि टू डिफरेंट टाइप ऑफ रिपीटिंग यूनिट्स का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, इसमें टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिपीटिंग यूनिट्स या मोनोमर भी आप सकते हैं, मोनोमर्स आर यूज्ड। तो दो अलग अलग तरह के मोनोमर इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि आपको पता है ब्यूनाइस, ब्यूनाइस के अंदर दो मोनोमर इस्तेमाल करते हैं, एक हो गया आपका ब्यूट 1,3 डाइईन और एक आपका हो गया स्टरीन। तो ये दो अलग अलग मोनोमर है। ऐसे ब्यूना एन अगर होता तो ब्यूट 1,3-diene और एक्रोनाइट्रिल होता, नायलॉन 6,6 है तो उसमें हम दो मोनोमर कहते हैं, एक हेक्सामेथिलीन डायमीन है और एक एडिपिक एसिड है। तो कोपॉलीमर उन्हें कहते हैं जिनमें अलग अलग टाइप के मोनोमर का इस्तेमाल करें या रिपीटिंग यूनिट का इस्तेमाल करें। बच्चों अब हम डिस्कस करेंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर कैसे कर सकते हैं। तो पहले आप इसका या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख लीजिए, आपने लिख लिया, चलिए अब हम आपसे डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर क्या है। क्लासिफिकेशन हम कर रहे हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर, पॉलीमर को हमने मुख्य रूप से चार तरह से बांटा है। एक हमने कहा कि ऑन द बेसिस ऑफ एक तो सोर्स हो गया, सोर्स के आधार पर बांट सकते हैं, फिर ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है इस हिसाब से हम पॉलीमर को बांट सकते हैं, फिर मोड क्या है, किस तरह से वो करते हैं, एडिशन है कि कंडेंसेशन पॉलीमर है, फिर उनके बीच मोनोमर के बीच किस तरह का फोर्स लगता है या फोर्स के आधार पर बांट सकते हैं। तो ये चार तरीके से हम लोग पॉलीमर को क्लासिफाई करेंगे। चलिए अब एक एक करके इनको हम डिस्कस करते हैं। तो पहला हमारा होगा ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, पहला हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, सोर्स के आधार पर पॉलीमर का क्लासिफिकेशन। तो इसके हिसाब से हम इसको तीन तरीके से बांटेंगे, एक होता है नेचुरल, एक है आपका सेमी सिंथेटिक और एक सिंथेटिक। तो देखते हैं वन बाय वन करके, पहले हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं नेचुरल क्या है।
तो नेचुरल पॉलीमर्स जो होते हैं फाउंड इन नेचर, इट इज फाउंड इन नेचर इन आप कह सकते हैं कि एनिमल्स एंड ट्रीज, एनिमल्स एंड ट्रीज में जो पॉलीमर का इस्तेमाल करते हैं, ये जो पॉलीमर यूज होते हैं उनको हम नेचुरल पॉलीमर कहते हैं, नेचुरल पॉलीमर। जैसे इसके एग्जांपल हो गए प्रोटीन या सेल्यूलोज, सेल्यूलोज। इस पॉलीमर का हो गया। दूसरा आपका है सेमी सिंथेटिक, सेमी सिंथेटिक। बच्चों एक्चुअली ये नेचुरल पॉलीमर हैं जिसमें हम कुछ केमिकल इस्तेमाल करके उसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। जैसे सेलुलोज है, अगर हम इसमें एसिटाइलेशन ऐसा कर दें तो सेलुलोज एसिटेट बनता है, या नाइट्रेशन कर दें तो सेलुलोज नाइट्रेट। तो ये एक तरह से नेचुरल पॉलीमर है जिनका हम केमिकल्स इस्तेमाल करते हैं। ये कह सकते हैं कि हाफ नेचुरल हाफ मैनमेड, ऐसे भी बोल सकते हैं आप, हाफ नेचुरल है प्लस हाफ मैन मेड है। इसमें जैसे आपने एग्जांपल दिया सेल्यूलोज एसीटेट या सेल्यूलोज नाइट्रेट, नाइट्रेट ये हम कह सकते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स हमने कहा कि ये एक हमारा दूसरा तरह है सेमी सिंथेटिक। अब हम अगर बात करें तीसरा हमारा है, तो ये आपका होगा सिंथेटिक पॉलीमर। ये मैन मेड पॉलीमर होते हैं, मतलब ह्यूमन के द्वारा बनाए जाते हैं, मानव के द्वारा बनाए जाने वाले पॉलीमर होते हैं जिनको हम सिंथेटिक पॉलीमर कहते हैं। इसके एग्जांपल्स बहुत हैं, जैसे आप पॉलीथीन यूज कर सकते हैं, पॉलीथीन है, पीवीसी है आपका, नायलॉन है, ये सब हमारे मैन मेड या सिंथेटिक पॉलीमर हैं। आइए अब हम दूसरा जो आपको डिस्कस करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर पॉलीमर को हम कैसे बांट सकते हैं। पहले आप इसे लिख लीजिए। अब हम आपसे डिस्कस करेंगे कि पॉलीमर का क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ इट्स स्ट्रक्चर। तो अब आपसे डिस्कस कर रहे हैं दूसरा जो क्लासिफिकेशन है वो है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर के आधार पर पॉलीमर को कितने तरीके से बांट सकते हैं, तो इसमें भी हम तीन तरीके से बांटेंगे। एक लीनियर पॉलीमर है, एक आपका होगा ब्रांच पॉलीमर, और एक आपका हो जाएगा पहले लिखते हैं इसको, पहले आपका हो गया लीनियर पॉलीमर, लीनियर पॉलीमर। लीनियर पॉलीमर में होता क्या है कि इसमें जो यूनिट्स होती है रिपीटिंग यूनिट्स, ये आपके एक रेगुलर वे में स्ट्रेट चेन में ये अरेंज रहते हैं, लॉन्ग स्ट्रेट चेन। कैसे अरेंज रहेंगे, लॉन्ग स्ट्रेट चेन। तो लॉन्ग स्ट्रेट चेन में ये अरेंज रहेंगे, हम इसको बोलेंगे लीनियर पॉलीमर। जैसे इसका एग्जांपल्स हो गया आपका हाई डेंसिटी पॉलीथीन, हाई डेंसिटी पॉलीथीन। अच्छा इसमें खास बात क्या होती है कि इसको हम एक के ऊपर एक आराम से रख सकते हैं, सेट कर सकते हैं, क्योंकि पैकिंग कुछ ऐसे हो जाती है कि एक के ऊपर एक अरेंज कर सकेंगे, तो इसका
जो मेल्टिंग पॉइंट है और बॉइलिंग पॉइंट है बहुत ज़्यादा होता है, इनकी डेंसिटी ज़्यादा होती है। दूसरा जो आपके इसमें है वो ब्रांच चैन पॉलीमर्स है, ब्रांच चैन पॉलीमर। इसमें क्या होता है कि जो पॉलीमर्स हैं वो स्ट्रेट चैन में तो रहते ही हैं, लेकिन साथ में इसमें ब्रांचिंग भी होती है, ऐसे ऐसे इसके अंतर्गत ब्रांचिंग हो जाएगी। अच्छा, ये ब्रांचिंग क्या होती है कि कहीं कम कहीं ज्यादा होती है, तो इसके कारण हम इसको एक के ऊपर एक पॉलीमर्स मतलब इसको अरेंज नहीं कर पाते। तो अरेंज नहीं कर पाते तो इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है या बॉइलिंग पॉइंट है ये लो होता है, इनकी लो डेंसिटी भी होती है, लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। इसका एग्जांपल जैसे आप कह सकते हैं लो डेंसिटी पॉलीथीन, लो डेंसिटी पॉलीथीन। अच्छा, एक तीसरे तरीके का जो आपका इसमें है, एक तो आपका लीनियर हो गया, ब्रांच हो गया, तीसरा आपका है क्रॉस लिंक, क्रॉस लिंक पॉलीमर। क्रॉस लिंक पॉलीमर में होता क्या है कि देखिए पॉलीमर जो लॉन्ग स्ट्रेट चैन में तो रहते ही हैं, लॉन्ग स्ट्रेट चैन में तो है ही हैं, लेकिन इनमें क्रॉस लिंकिंग हो जाती है, ऐसे कुछ कुछ इस तरह से क्रॉस लिंकिंग है। तो इस कारण से इसमें क्या होता है कि ये थोड़ा टफ हो जाते हैं। और इसका एग्जांपल आप मान लीजिए बेकेलाइट्स, इसके एग्जांपल है बेकेलाइट्स। ऐसे आप समझिए कि दो रोड जा रही है, मान लीजिए एक लखनऊ की तरफ जा रही है, एक कानपुर की तरफ है, बीच में से एक हाईवे टाइप में आपने बना दिया, तो वो क्या हो गया, क्रॉस लिंक हो गया, जो एक जगह से दूसरी जगह को, एक रोड से दूसरे रोड को लिंक करती है। तो ये हमारे हैं क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर, जैसे पेकलाइट्स एक एग्जांपल है। अब हमारा जो तीसरा तरीका है वो है ऑन द बेसिस ऑफ मोड, मोड के आधार पर हम पॉलीमर को कैसे क्लासिफाई करेंगे। पहले आप इसको लिख लीजिए, आपने लिख लिया या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम तीसरा डिस्कस करेंगे, वो है ऑन द बेसिस ऑफ मोड। अब हमारा हो गया तीसरा ऑन द बेसिस ऑफ मोड। मोड के आधार पर पॉलीमर को हम दो तरह से क्लासिफाई करते हैं। इसमें एक है, ये थर्ड है हमारा, एक है हमारा एडिशन पॉलीमर, एडिशन पॉलीमर, और एक होगा आपका कंडेंसेशन पॉलीमर। तो एडिशन पॉलीमर क्या होता है, देखिए ऐसे मोनोमर्स जिसमें डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो। तो हम लोग को पता है डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड सामान्यतः एडिशन रिएक्शन देते हैं। इस प्रोसेस ऑफ एडिशन में आप देखेंगे कि डबल बॉन्ड जो है वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि मोनोमर है, इस तरह के मोनोमर्स में क्या होगा, मोनोमर्स है डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। तो इसमें डबल बॉन्ड होंगे, ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होंगे, जो आपस में ऐड होकर के एडिशन पॉलीमर देंगे। अच्छा, एडिशन पॉलीमर भी दो तरीके से बांट सकते हैं, एडिशन होमोपॉलीमर जिसमें एक ही तरह के मोनोमर यूज होंगे, जैसे कि आपने कहा कि एथीन, देखिए इसमें डबल बॉन्ड है। अब इसको अगर हम लोग ऐड करें, इसका पॉलीमराइजेशन करें, तो डबल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डबल बॉन्ड आपका सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका हम पॉलीमराइजेशन करा रहे हैं, ये पॉलीमराइजेशन जो होगा हाई टेम्परेचर और प्रेशर पर होगा, ठीक है, क्या बन जाएगा आपका पॉलीथीन। ये जो एडिशन पॉलीमर है इसको एडिशन होमोपॉलीमर भी कहते हैं। अच्छा, इसमें हम लोग कह दिए एडिशन होमोपॉलीमर। एक हो सकता है कि एडिशन कोपॉलीमर भी होते हैं जिसमें दो अलग अलग मोनोमर के इस्तेमाल करें, जैसे आपका ब्यूनेस,
एक एग्जांपल हो गया आपका ब्यूनाइस। तो ब्यूनाइस में दो मोनोमर का इस्तेमाल करेंगे, एक ब्यूट 1,3 डाइईन, ब्यूट 1,3 डाइईन, और दूसरा आपका हम लोग इस्तेमाल करेंगे स्टरीन। तो ब्यूट 1,3 डाइईन होता क्या है, देखिए CH2 यानी 1 और 3 पोजीशन पर डबल बॉन्ड होगा, ये ब्यूट 1,3 हो गया और स्ट्रीन ये हो गया। तो दोनों डबल बॉन्ड जो हैं, दोनों मतलब मोनोमर में डबल बॉन्ड है, इनको जब आप ऐड करेंगे, इनका जब पॉलीमराइजेशन कराएं, तो एन मॉलिक्यूल इसको आपने लिख लिया, जब इसका हम पॉलीमराइजेशन कराएंगे तो हम देखते हैं जहां डबल बॉन्ड है ये ब्रेक कर जाएगा, इसका हम पॉलीमराइजेशन कराएंगे तो डबल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड में, तो ये सिंगल बॉन्ड हो गया। अच्छा, यहां वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए डबल बॉन्ड आएगा, ये बन गया आपका ब्यूना एस। अच्छा, अब हम लोग बात करते हैं कि कंडेंसेशन पॉलीमर में क्या होता है। कंडेंसेशन पॉलीमर में क्या होता है कि मोनोमर आपस में कंडेंस होकर के पॉलीमराइजेशन रिएक्शन देते हैं। अच्छा, इस तरह के मोनोमर में क्या होते हैं, बाई फंक्शनल या ट्राई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। तो अब हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं वो हम लोग करेंगे कंडेंसेशन पॉलीमर। इसमें मोनोमर्स में क्या होते हैं, मोनोमर है बाई फंक्शनल, ये तो दो फंक्शनल होंगे, बाई फंक्शनल ग्रुप और ट्राई फंक्शनल ग्रुप। तो या तो बाई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होंगे या तो ट्राई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होंगे। अच्छा, इसमें जब कंडेंस होंगे तो स्मॉल मॉलिक्यूल भी रिलीज होंगे, एंड जो स्मॉल पार्ट ऑफ मॉलिक्यूल होता है, मॉलिक्यूल लाइक, तो आप बात करें वाटर है, आप बात कर सकते हैं NH3 है, तो ये रिलीज होगा इसमें। जैसे कि आप इसका एग्जांपल दे सकते हैं नायलॉन 6। नायलॉन 6 ये आपका कंडेंसेशन पॉलीमर है, क्या आप एक एग्जांपल और दे सकते हैं नायलॉन 6,6। अच्छा, ध्यान रखिएगा कि नायलॉन 6 या नायलॉन 6,6 बात करते हैं, ये भी दो तरीके से हो सकते हैं कंडेंसेशन पॉलीमर, या तो आपका हो सकते हैं होमो जिसमें नायलॉन 6, या आपका हो सकते हैं कोपॉलीमर नायलॉन 6,6। तो इस प्रकार से हमने देखा बेसिस ऑफ मोड जो है, हम पॉलीमराइजेशन को दो तरीके से बांट सकते हैं, एक एडिशन पॉलीमर और एक कंडेंसेशन पॉलीमर। और ये दोनों तरह के जो पॉलीमर्स हैं ये आपके होमोपॉलीमर और कोपॉलीमर के रूप में हो सकते हैं। होमोपॉलीमर में ध्यान रखना है कि एक ही तरह के मोनोमर यूज करेंगे, और कोपॉलीमर होगा जिसमें दो अलग अलग तरह के मोनोमर का इस्तेमाल हम करते हैं। अब आइए हम एक फोर्थ क्लासिफिकेशन करते हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ फोर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। तो आइए, हमारा अगला जो है हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो है हमारा फोर्थ टाइप का, ये है ऑन द बेसिस ऑफ फोर्स। फोर्स के आधार पर पॉलीमर को कैसे बांट सकते हैं, तो इसमें भी चार तरीके हैं। पहला है आपका इलास्टोमर्स, इलास्टोमर्स क्या होते हैं, जिसमें इलास्टिक प्रॉपर्टी होती है, इसमें वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बिटवीन द पॉलीमर चेन्स। तो हम क्या करते हैं, जब इसमें फोर्स लगाते हैं तो इनका शेप चेंज हो जाता है, जब फोर्स हटाते हैं तो पुनः अपने सेप को रिगेन करते हैं, जैसे रबड़ एग्जांपल है। तो इलास्टोमर्स में आप कह सकते हैं कि इसमें जो वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, अट्रैक्शन
होता है और इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी होती है, इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी होती है, यानी कि फोर्स लगाने पर इनका शेप चेंज जाता है, फोर्स हटाने पर ये पुनः अपने फ्री शेप को ऑक्यूपाई करते हैं। इसके एग्जांपल्स में आप लिखेंगे तो रबर के जो पॉलीमर हैं जैसे ब्यूना एन या ब्यूना एस, ये इसके एग्जांपल्स हैं। अच्छा, एक दूसरे तरह का पॉलीमर है जिसको हम बोलते हैं फाइबर। फाइबर में क्या होता है कि इसमें स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है और इसके कारण हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, थ्रेड फॉर्मिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो इसका जो हम लोग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहेंगे, ये कह सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बिटवीन द पॉलीमर चेन, थ्रेड फॉर्मिंग होते हैं, थ्रेड फॉर्मिंग स्ट्रक्चर होता है और हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, हाई डेंसिटी होती है, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है, या ये कह सकते हैं कि हाई मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होती है। इसके एग्जांपल हो गए जैसे नायलॉन्स, जिसके इसके एग्जांपल में आप कह सकते हैं नायलॉन 6 या नायलॉन 66। अच्छा, एक तीसरे टाइप का जो इसमें है उसको हम लोग बोलते हैं थर्मो पॉलीमर। थर्मो एक तीसरे टाइप का जो हो गया, इसको हम कहेंगे थर्मो पॉलीमर्स। थर्मोप्लास्टिक भी कह सकते हैं या थर्मोपॉलीमर, थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर। अच्छा, इसमें हम लोग करते क्या है, इसमें होता क्या है कि जो पॉलीमर चेन होती है या तो वो लीनियर होती है या ब्रांच्ड होती है, स्लाइटली ब्रांच्ड होती है। इसमें जो फोर्स होता है ये इन दोनों के बीच में, इलास्टोमर्स और फाइबर के बीच में होता है। तो पहला हम ये लिख सकते हैं कि फोर्स होता है इन बिटवीन इलास्टोमर्स एंड फाइबर्स होता है। ये कुछ लीनियर या स्लाइटली ब्रांच चेन स्ट्रक्चर होता है इनका, स्लाइटली ब्रांच चेन स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर कह सकते हैं। अच्छा, तीसरी बात इसमें ये है कि जब आप इसको हीट करेंगे तो ये सॉफ्ट हो जाएंगे और जब आप कूल करेंगे तो फिर हार्ड हो जाते हैं। ऑन हीटिंग बिकम सॉफ्ट एंड कूलिंग बिकम हार्ड। इसके जो एग्जांपल है जैसे पॉलीथीन है, इसके एग्जांपल में पॉलीथीन हो गया, पॉलीविनाइल क्लोराइड पीवीसी हो गया, ये हम कह सकते हैं। अच्छा, अब हम लोग जो चौथे टाइप का पॉलीमर आपसे डिस्कस कर रहे हैं, फोर्थ टाइप का, ये है थर्मोसेटिंग, थर्मोसेटिंग पॉलीमर। इसमें क्या होता है कि अगर आपने एक बार टेम्परेचर देखा इसका शेप चेंज कर दिया तो फिर वो अपने उसी शेप में रहता है, फिर शेप उसका चेंज नहीं कर सकते। इस वाले केस में आप चेंज कर सकते हैं थर्मोसेटिंग पॉलीमर में, थर्मोसेटिंग में ऐसा नहीं कर पाएंगे। कैसे? तो इसमें क्या होता है कि क्रॉस लिंकिंग होती है, क्रॉस लिंकिंग होती है और हीट करने पर ये एक्सटेंड करता है, क्रॉस लिंकिंग बढ़ जाती है एंड ऑन हीटिंग क्रॉस लिंक जो है ये इनहेंस करता है, इंक्रीज करता है। इसके बाद क्या होता है कि आप इसको जो है अगर एक बार आपने शेप दे दिया गर्म करके फिर वो शेप को हम रीचेंज नहीं कर सकते। इसका एग्जांपल है जैसे बेकेलाइट्स, बच्चों पॉलीमर छोटे छोटे मोनोमेरिक यूनिट्स को आपस में हम ज्वाइंट करके
एक जो बड़ा सा बनाते हैं मॉलिक्यूल टाइप में, मैक्रो मॉलिक्यूल टाइप में, तो उसको हम पॉलीमर्स कहते हैं। इसमें होता है कि एक रेगुलर वे में यूनिट्स को अरेंज रिपीट होते हैं और इनका जो मोलर मास है ये 10^3 से 10^7 यूनिट्स तक ऑलमोस्ट रहता है। फिर हमने देखा कि पॉलीमर को हम कई तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मोनोमेरिक यूनिट्स। दो तरह से हमने बताया, एक होमोपॉलीमर और एक कोपॉलीमर। फिर हम आपको देख बताएं कि ये जो है सोर्स के आधार पर तीन तरीके से कर सकते हैं, नेचुरल जो नेचर में पाया जाए, सेमी सिंथेटिक यानी आधा नेचुरल होता है आधा मैन मेड होता है, केमिकल्स का यूज करते हैं इसमें, और सिंथेटिक जो होता है टोटली मैन मेड होता है। फिर हमने कहा स्ट्रक्चर के आधार पर, अगर ये सीधे सीधे स्ट्रेट लॉन्ग चेन में है तो लीनियर, स्ट्रेट चेन के साथ साथ थोड़ी सी ब्रांचिंग हो सकी जो अलग अलग तरीके से रेंज रहती है तो इसको हम ब्रांच्ड चेन बोले, और अगर स्ट्रेट चेन तो है साथ में क्रॉस लिंकिंग कर दी दो स्ट्रेट चेन के बीच में तो इसको हम क्रॉस लिंक पॉलीमर कहते हैं। फिर ऑन द बेसिस ऑफ मोड में हमने देखा कि दो तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं, एडिशन पॉलीमर, कंडेंसेशन पॉलीमर। यहाँ पर एक बात आपको ध्यान रखना है कि एडिशन और कंडेंसेशन पॉलीमर दोनों दो तरीके से यूज कर सकते हैं, कि होमोपॉलीमर जब एक ही टाइप के मोनोमर यूज हो सिंगल तो उसको होमोपॉलीमर कहेंगे, जब दो अलग डिफरेंट टाइप मोनोमर यूज होंगे तो उसको हम कोपॉलीमर्स कहते हैं। फिर ऑन द बेसिस ऑफ फोर्स हमने बात की, तो फोर्स के आधार पर चार तरीके से कर सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, जिसमें एक इलास्टोमर्स, इसमें इलास्टिक प्रॉपर्टी, क्लास 11 में आपने इलास्टिसिटीज के चैप्टर पढ़ा होगा फिजिक्स में, इसमें क्या फोर्स लगाने पर उसको लेंथ को बढ़ा सकते हैं, उसका शेप चेंज कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही फोर्स हटाएंगे वो अपना शेप रिगेन करता है, इसमें वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। अच्छा, दूसरा जो है वो फाइबर होता है, फाइबर में स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इसमें हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, हाई मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होती है, फाइबर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जैसे नायलॉन्स के, इसमें पॉलीमर्स हम कह सकते हैं। फिर आपका आया था थर्मो प्लास्टिक पॉलीमर, इसमें होता क्या है कि जो ये तो लीनियर में रहते हैं या स्लाइटली ब्रांच्ड रहते हैं, तो इनको आप गर्म करेंगे, इनको कुछ इस तरह से स्टूडेंट्स मान सकते हैं जो एक बार डांट दो तो फिर अपने काम लग जाएंगे, और अगर कुछ ना कहो तो ये फिर शरारत करेंगे, यानी कि आप हीट करेंगे तो ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएंगे, अब कूल करेंगे तो फिर से हार्ड हो जाएंगे। फिर लास्ट में हमने देखा थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स, थर्मोसेटिंग में क्या है कि अगर एक बार आपने हीट करके इसका शेप चेंज कर दिया तो उसी शेप को ये बनाए रखते हैं, इसमें क्रॉस लिंकिंग होती है, जैसे इसका आपका एग्जांपल होगा बेकेलाइट्स। तो बच्चों आज का वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा, अगर आपको ये पसंद आया तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू, नमस्कार।